अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सईद मैसेज से। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सऊदी रियाल एक्सचेंज रेट इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश और नेपाल के बारे में। क्या आज सऊदी अरब की कौन सी बैंक से क्या रेट मिलेगा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश और नेपाल के लिए, तो चलिए दोस्तों फटाफट से जान लेते हैं आज के रियाल रेट की ताज़ा अपडेट। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर दें। और ही बैंक के जरिए पैसे भेजने पर इंडिया के लिए आज आपको रेट मिलेगा 21 रुपये 83 पैसे, पाकिस्तान पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 80 रुपये 70 पैसे, इसी तरह से बांग्लादेश पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 28.85 पैसे और नेपाल पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 34 रुपये 98 पैसे। अलराजी बैंक से पैसे भेजने पर इंडिया के लिए आज आपको रेट मिलेगा 21 रुपये 81 पैसे, पाकिस्तान पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 80 रुपये 68 पैसे, जबकि बांग्लादेश पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 28.80 पैसे और नेपाल पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 34 रुपये 95 पैसे। अगर हम बात कर लें एसटीसी पे एप्लीकेशन की, एसटीसी पे एप्लीकेशन इंडिया के लिए दे रही है 21 रुपये 75 पैसे, पाकिस्तान के लिए दे रही है 80 रुपये 65 पैसे, जबकि बांग्लादेश के लिए दे रही है 28.75 पैसे और नेपाल के लिए दे रही है 35 रुपये 15। और दोस्तों, अगर आज आप क्विक पे एनसीबी बैंक से पैसे भेजते हैं, क्विक पे एनसीबी बैंक से पैसे भेजने पर इंडिया के लिए आज आपको रेट मिलेगा 21 रुपये 62 पैसे, पाकिस्तान पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 80 रुपये 30 पैसे, वहीं पर बांग्लादेश पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 28.65 पैसे और नेपाल पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 34 रुपये 80 पैसे। वेस्टर्न यूनियन बैंक इंडिया के लिए दे रही है 21 रुपये 84 पैसे, पाकिस्तान के लिए दे रही है 80 रुपये 68 पैसे, वहीं पर बांग्लादेश के लिए दे रही है 28.90 पैसे और नेपाल के लिए दे रही है 35 रुपये 28 पैसे। पंजाब बैंक के जरिए पैसे भेजने पर इंडिया के लिए आज आपको रेट मिलेगा 21 रुपये 86 पैसे, पाकिस्तान पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 80 रुपये 75 पैसे, इसी तरह से बांग्लादेश पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 28.88 पैसे और नेपाल पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 35 रुपये 10 पैसे।